उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शंस। स्वागत है आपका हमारी कोई ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले देते हैं इंट्रो, ठीक है। मैं वजाहत और मैं हूँ मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो टाइटल है गूगल फेसबुक ट्विटर सेड वी कैन ओनली प्रोवाइड यू सर्विस फ्रॉम, पता नहीं फुल टाइटल क्या है। अरे मतलब कह रहे हैं कि गूगल और फेसबुक ने बोला कि हम लोग अपनी सर्विसेज पाकिस्तान से हटा देंगे। तो ये इंडियन चैनल ने वीडियो बनाया, तो लिंक आपको नीचे भी मिलेगा। काफ़ी लोगों ने हमें भी यार बोला कि मतलब सच में उधर बंद हो रहा है, तो देखते हैं। अफवाह तो आई थी उस पिछले दिनों कुछ, लेकिन देखते हैं भाई ने किस तरह वीडियो बनाई है। सो ये ले मैं ये लेता हूँ। सो काउंट डाउन करते हैं बड़ा किसी देरी के, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों एक नए रूल और रेगुलेशन पाकिस्तान में ला रहा है। दोस्तों, इस रूल और रेगुलेशन के आने के बाद अगर कोई फेसबुक ट्विटर गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलेंगी तो उनकी सर्विसेज पर पाकिस्तान बैन लगा देगा। परंतु दोस्तों, इसी के जवाब में ट्विटर फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान हमें क्या अपनी सर्विसेज देने से रोकेगा, हम ही अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में देना बंद कर देंगे। दोस्तों, इन बड़ी बड़ी कंपनियों का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान से इतनी कमाई नहीं होती है कि हम उनके इतने नखरे सहन करें और उनके रूल और रेगुलेशन को हम फॉलो करें। दोस्तों, क्या है मामला, इसके बारे में करेंगे डिटेल से चर्चा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कर दें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के साथ देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान एक नया रूल और रेगुलेशन लाने जा रहा है जिससे ट्विटर फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को अब अपने ऑफिस इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में खोलने होंगे और इन ऑफिसों में उन्हें अपने डाटा सर्वर के साथ साथ रूल रेगुलेशन का वायलेंस करते हैं और उन पर जो रिव्यू देते हैं वो टीम अपनी पाकिस्तान में बिठानी होगी। दोस्तों, इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पाकिस्तान में वायलेंस करता है इनकी गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की रूल रेगुलेशन को, उसकी टीम भारत में बैठती है और भारत के लोग ही उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान चिंतित है क्योंकि उसे लगता है कि भारत के लोग पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दखल देते हैं और पाकिस्तान में जो भी होगा वो भारत के लोग ही तय करेंगे। हालांकि ये भारत की ही ताकत है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भारत के लोग ही उसकी जांच करते हैं और उसके हिसाब से फैसला लेते हैं। और इसी कारण ट्विटर फेसबुक पर जब भी कोई पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडा चलाता है तो भारत उसको उसी क्षण नीचे गिरा देता है और उसे भारत बैन लगा देता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब चाहता है कि भारत विरोधी एजेंडे चलाने के लिए पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की ही टीम बैठे और जो वीडियोस गूगल फेसबुक पर ट्विटर पर डाली जाती हैं उसको रिव्यू करने वाली टीम भी पाकिस्तान की ही हो। हालांकि भारत ने इस बारे में अब कोई अपना एतराज नहीं जताया है क्योंकि फेसबुक गूगल ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ही पाकिस्तान को आज फटकार लगा दी है। जी हां दोस्तों, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों का कहना है कि पाकिस्तान हमें इतनी कमाई नहीं देता है कि हम उन्हें अपनी बेहतरीन सर्विसेज दें। दोस्तों, पाकिस्तान ने नया रूल रेगुलेशन दिया है जिसमें अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां वायलेंस करती हैं तो करीब $3 मिलियन का फाइन और इनकी सर्विसेज पर बैन लग जाएगा। $3 मिलियन बहुत बड़ी रकम है और पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो करीब $500 मिलियन की रकम ये बैठती है। वहीं इन बड़ी कंपनियों का कहना है कि हमारी इन एडवर्टाइजमेंट में होने वाली कमाई ही इतनी नहीं है कि हम इतने महंगे सर्वर और अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को दे सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों पाकिस्तान में वैसी ही आर्थिक तंगी चल रही है और पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट फीस भी काफी कम है और पाकिस्तान में इंटरनेट के यूजर भी बहुत कम है और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या महज 3 से 4 करोड़ के बीच में है और इन 3 से 4 करोड़ लोगों के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी अलग से सर्विसेज और ऑफिस पाकिस्तान में नहीं खोल सकती हैं। और वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में इंटरनेट के प्लान भी भारत के प्लान से काफी महंगे हैं और जिस कारण से पाकिस्तान को आज बड़ी फटकार इन कंपनियों ने लगाई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम आपके नखरे नहीं सहन कर सकते हैं और हम भारत में ही अपनी सर्विसेज देंगे और अगर आपको मंजूर हो तो आप भारत में भारत की सर्विस लें और अन्यथा हमें जवाब दे दें और हम अपनी सर्विसेज ही
पाकिस्तान में देना बंद कर देंगे, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के लोगों में काफी डर बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों में अब ना तो व्हाट्सएप चलेगा, ना फेसबुक, ना गूगल चलेगा। और दोस्तों इसके लिए अब पाकिस्तान चाइना पर डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां सर्विसेज नहीं देती हैं तो चाइना से जुड़ी हुई एप्स और सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अब पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो वही दोस्तों देखना होगा अब पाकिस्तान की सरकार इस बारे में क्या बड़ा एक्शन लेती है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडी प्लस न्यूज। ओके, तो ये था वीडियो, ये चर्चा हो रही है। तो हाँ यार, फवाद तो हमें भी आई थी। मैं तुझे एक मिनट, मैं तुझे वो पॉइंट तेरा मैं पीछे क्लियर करता हूँ। जो हमारी वीडियोस होती है ना, मतलब कोई बुरी हो या मतलब जैसी भी हो थोड़ी उससे रिलेटेड, उस पर जो सर्च करता है वो इंडिया करता है, मतलब उसको इंडिया में वो वीडियोस वगैरह देखता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास रखा हुआ है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे, तो इमरान खान ने ये बात बोली है कि भाई इधर भी रखा, हाँ इधर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मतलब जो सारी वीडियोस वगैरह कुछ है जैसे भी है वो यहाँ पे मतलब वो रहेगा, इधर की मतलब जो हो सब कुछ वो करे। तो मतलब एक जगह देखा जाए, मतलब बात ठीक है कंट्री के लिए, एक जगह देखा जाए कंट्री के लिए, लेकिन मतलब पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा इसके मामले में, ये अभी हमारा नहीं हो सकता। मतलब अभी क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हम मतलब इस तरह का स्टेप हमारा उठा सके। लाइक हमारे मतलब इमरान खान साहब को चाहिए ना कि पहले अपने मुल्क को उस काबिल बनाया जाए, उस काबिल बनाया जाए ताकि मतलब कंपनियां तुम्हारी सुन सके, जिस मतलब तरह इंडिया ने बनाया। कंपनियां क्या सुन सके, मतलब कंपनियां खुद आके बोले हम यहाँ अपने ऑफिसेज बनाना चाहते हैं, तो इस काबिल अपनी कंट्री को बनाओ कि मतलब खुद अगला बिल्कुल, हम खुद यही समझते हैं कि हमारी कंट्री फिलहाल इस काबिल नहीं है, खुद अगले इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को मतलब ऑर्डर दे। और बकाया जो उन्होंने 3-4 crore का बोला यहाँ बिल्कुल नहीं है, जो कि अभी हमने लास्ट ईयर कभी खुद मैंने देखा था उसमें 8 crore से ज्यादा हो गए, 80 million से। और अभी तो बड़े मोबाइल लेकर बैठे हैं, मुझे तो 80 million से भी ज्यादा, सॉरी हाँ 80 million से भी ज्यादा लगता है। हो सकता है, क्योंकि अभी जो आने वाली जो सारी नस्ल है, जो भी अभी नस्लें हैं वो इंटरनेट के बगैर रह ही नहीं सकती है, मतलब इधर भी हर जगह जिसको देखो मोबाइल पकड़ के इंटरनेट इंटरनेट। वो तो आप लोगों ने खुद भी मतलब इंटरनेट पे देखा होगा कितने पाकिस्तानी कमेंट्स मिलते हैं। सो इससे नहीं जाहिर होता कि मतलब 3-4 crore। और अब बकाया यार हम लोग यही बोलेंगे कि बंद तो नहीं हो सकती सर्विसेज, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बंद हो जाएंगी, उन्होंने मतलब उसी तरह बंद तो नहीं, मतलब एक किस्म का हाँ बोला है ऑफिस का, मतलब इमरान खान साहब ने बोला था कि मतलब ऑफिस खोले जाए ना, सो ऑफिस खोले जाए मतलब अपने मतलब कंट्री का जो बोलता है, लेकिन वो नहीं माने लाइक अभी नहीं माने। सो मतलब इसको चाहिए कि मतलब अपने आप को मतलब कंट्री को इस काबिल हमारी बनाए, मतलब वो खुद आके रखे। और अभी वैसे भी वो हमारा पता लगेगा ना, जैसे इन लोग ये लोग लेके चल रहे हैं कंट्री को, जीडीपी हो रहे हैं सब कुछ, मतलब जब सब कुछ आएगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई हमारा कंट्री किस लेवल पे आ चुका है, इन लोगों ने मतलब जो हम पे टैक्सेस लगाए हैं, जो टैक्सेस लगाए हैं उसका कुछ मतलब मिला भी है, उसका फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ, फिर वो बिल्कुल पता लगेगा। और अपनी कंट्री को इस काबिल बनाए कि मतलब कि बोला जाए कि यार मतलब हम करेंगे वो, बोल के हमारी सुनी जाए। हाँ, और बताया बिल्कुल, अब देख प्रॉफिट वगैरह का हमें नहीं पता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको पता है, बात है देख इंडिया कितना बड़ा है वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा, लेकिन अपने लिहाज से जाहिर बात है उसको भी मतलब पाकिस्तान में 5वें नंबर पे है तो उधर से भी मिलता होगा, जाहिर इतना मिलना चाहिए मिलता होगा। मतलब यार मैं यही बात बोलना चाहूँगा, ठीक है आपको बोलना चाहिए किसी भी मतलब उसको करना चाहिए, लेकिन आप अपने कंट्री को इस लेवल पे लाओ ना, इस लेवल पे मतलब करें, ठीक है हम मानते हैं हम हमारे लेवल पे नहीं है, नहीं है बिल्कुल हम उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि अभी मतलब काफी टाइम पाकिस्तान में खराब चल रहा है, सीधी सी बात है, तो इसमें कोई भी जुटाया नहीं जा सकता, पाकिस्तान का भी मतलब टाइम बहुत अच्छा चल रहा नहीं चल रहा, अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा। सो इसलिए चाहिए मतलब अपने मतलब कंट्री को इस काबिल बनाया जाए ताकि तुम्हारी भी मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सुन सके, ये बात एग्जैक्टली। और दूसरी बात इन्होंने बोली चाइना से, तो मतलब उनकी एप्स का मतलब फायदा ही नहीं, मतलब हमें नहीं, उनकी अपनी लैंग्वेज है यार, मतलब लैंग्वेज भी अपनी है और उनकी एप्स का करना है, वो मतलब वो लैंग्वेज की बात नहीं, वो चेंज हो जाती है, वो बना लेते हैं लेकिन मतलब फायदा नहीं है ना उसको यूज करने का, मतलब अब जिस चीज का सारी दुनिया सारी दुनिया व्हाट्सएप और ये यूज कर रही है, अब हमें चाइना के ऐप्स का क्या करना है, चाइना के पाकिस्तान के लोगों से कॉन्टेक्ट रहेगा, बाहर के लोग चाइनीज से फिर कॉन्टेक्ट रहेगा और पाकिस्तानी से रहेगा, और अब जैसे हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तो ये भी
है. बिल्कुल. सो इससे अच्छा मतलब फिलहाल रहने दें इमरान खान साहब, इसको मतलब सोचें, जब टाइम आया तो फिर बोल सकते हैं कि फिर वो ऑफिस भी बनाए तो फिर वो, लेकिन फिलहाल नहीं है कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि अभी ऑफिस बने जा सके. सो उम्मीद करते हैं कोई आप लोगों को हमारी अगर बात पूरी लगे हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मतलब हमने अपना आइडिया रखा. बिल्कुल, क्योंकि वाकई में हम स्टेबल नहीं है यार, वाकई में हम स्टेबल नहीं है उस सिचुएशन में है. सो सीधी बात है. सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यार हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़. नमस्ते. सत श्री अकाल.